हेलो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है आप लोगों ने जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन वाला टैंक था रेस्टिंग ऑन ग्राउंड वो सीख लिया होगा। अब आप लोगों को जो सीखना है वो है रेक्टेंगुलर वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन ग्राउंड। तो रेक्टेंगुलर वाटर टैंक जो हैं वो जब हम लोगों को स्मॉल कैपेसिटीज़ के लिए टैंक डिज़ाइन करना होता है तब हम लोग रेक्टेंगुलर वाटर टैंक डिज़ाइन करते हैं। ज़्यादा क्वांटिटी के लिए हम लोग इसको इसलिए नहीं डिज़ाइन करते क्योंकि इनमें क्या होता है, स्ट्रेस कंसंट्रेशन हो जाता है, कॉर्नर्स में स्ट्रेस का कंसंट्रेशन होने लगता है, तो जॉइंट्स में क्या होने लगता है, लीकेज आने लगता है। इसलिए हम लोग इनको ज़्यादा हैवी क्वान्टिटीज़ के लिए यूज़ नहीं करते हैं। हैवी क्वान्टिटीज़ के लिए सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ही ठीक होता है। अब इनको भी ऐसा नहीं है कि ये भी सिर्फ एक ही तरीके के होंगे, इनमें हम लोग जॉइंट को फिक्स ही मानते हैं। और दूसरी चीज़, जो टैंक होता है वो एल बाई बी रेशियो बेसिस पे डिज़ाइन किए जाते हैं। एल क्या है, लेंथ ऑफ द टैंक है, इंटरनल लेंथ ऑफ द टैंक है, और बी जो है वो इंटरनल विथ ऑफ द टैंक है। इंटरनल कहने का सेंस क्या है वो आप लोग जान लीजिए, वैसे तो बहुत छोटी सी बात है। देखिए, ये क्रॉस सेक्शन होता है तो हमेशा लेंथ मतलब ये लेंथ, ठीक, और विथ मतलब ये विथ इंटरनल, ठीक है। तो अगर यही एल वाई बी रेशियो जो है वो 2 से कम होगा तो उसकी डिज़ाइनिंग कुछ अलग तरीके से होगी, और अगर एल वाई बी रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा होगा तो उसकी डिज़ाइनिंग कुछ अलग तरीके से होती है, ठीक है, या 2 के बराबर होगा या 2 से ज़्यादा होगा तो उसकी डिज़ाइनिंग अलग तरीके से होती है। अगर जो रेशियो है वो अगर 2 से कम है तो हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे टैंक को क्या मानते हैं कि कंटिन्यूस फ्रेम की तरह मानते हैं जिसमें ट्रायंगुलर लोडिंग होती है, ठीक है, और बेस में स्मॉल एच, यानी कि स्मॉल एच यहाँ पर एच बाई 4 या फिर 1 मीटर जो भी ज़्यादा है वो यूज़ किया जाता है। तो स्मॉल एच नीचे में, स्मॉल एच में कैंटिलीवर एक्शन होगा दोनों साइड, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल। इसमें क्या होता है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की डिज़ाइनिंग अलग अलग तरीके से होती है, मतलब मूवमेंट अलग अलग होते हैं बट प्रोसीजर जो है वो सेम है, वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं बट प्रोसीजर दोनों साइड सेम है। दोनों साइड यही होता है कि मूवमेंट जो है स्मॉल एच नीचे से स्मॉल एच की हाइट पर कंटिन्यूस एक्शन होगा, और बाकी ऊपर उसमें क्या होगा, बाकी जो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच पार्ट ऊपर बचता है उसमें फ्रेम एक्शन जो है वो लिया जाएगा, ठीक है। कैन जो है ये ऐसी लोडिंग होगी, ये आप लोगों को पता ही है, इसमें कोई नहीं है, देख लेते हैं फिर भी। ये देखिए, ये लोडिंग होगी, इसमें कोई नया चीज़ नहीं है, ट्रायंगुलर लोडिंग होती है। किसकी वजह से ट्रायंगुलर लोडिंग होती है, वाटर प्रेशर है इस वजह से ट्रायंगुलर लोडिंग है। बेस जो है वो इसका हो जाएगा गामा एच हो जाएगा, ये स्मॉल एच पार्ट है जो कि कैपिटल एच बाई 4 या फिर 1 मीटर जो भी ज़्यादा होगा वो वैल्यू ली जाएगी, ठीक है। तो इस पे जो होगा ये कैंटिलीवर ही होगा और इसके लिए जो बचा ये ऐसे होगा, आपको ध्यान होगा इसी चीज़ को मैंने आपको समझाने के लिए इसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। तो जब हम लोग अभी जब इसके लिए डिज़ाइनिंग करेंगे या मोमेंट निकालेंगे तो हम लोग इसको ऐसा ही मानेंगे, ऐसा ट्रायंगल भी मानेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, जो दूसरा जो कैंटिलीवर फ्रेम एक्शन हो जाता है वो किसकी वजह से होता है, इस यहाँ पे सबसे ज़्यादा यही है ना, तो गामा इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू बी, इसकी वजह से होगा। बी तो नहीं कहेंगे, ये तो गामा कैपिटल एच इंटू स्मॉल एच होगा। बी वो पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ठीक है। तो ये वैल्यू है। वन मोर थिंग, इसमें देखिए कि गलती हो गई है मुझसे, लिखने में गड़बड़ हो गया है, ये एच नहीं होगा, ये क्या होगा, ये कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच होगा यहाँ पर, ठीक है, ये आप लोग
सही कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, ये देखिए जो इंड मोमेंट है वो कैसे देखेंगे। तो देखिए इंड मोमेंट जो है, ये लेंथ जो है वो एल है, ये लेंथ जो है वो बी है, ठीक है। तो इंड मोमेंट, सबसे पहले हम लोग इंड मोमेंट कैलकुलेट करते हैं। तो इधर वाली इसके लिए क्या हो जाएगा, पी एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा, और इधर वाली इसके लिए क्या हो जाएगा, पी बी स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। ये इंड मोमेंट है। अब ये एल और बी अलग अलग हैं तो ये वैल्यूज़ अलग अलग आएंगी, तो इनको क्या करेंगे हम लोग, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से जॉइंट पे हम लोग मोमेंट निकालेंगे, जिसे हम लोग बोलते क्या हैं, इंड मोमेंट बोलते हैं, ठीक है। और फिर हम लोग उसको क्या बोल लेंगे, एक सिंपली सपोर्टेड बीम मानते हुए सेंटर पे मोमेंट निकालेंगे, और फिर उसमें इंड मोमेंट घटा देंगे, तो हमें सेंटर पर फ्रेम एक्शन की वजह से मोमेंट हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लोडिंग के लिए ये जो पी वर्ड यूज़ किया गया है ना यहाँ पर, ये देखिए पी एल स्क्वायर बाई 12, पी बी स्क्वायर बाई 12 यूज़ किया गया, तो पी इसमें कैसे निकालेंगे, पी देखिए ये है गामा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये है कहाँ, अगर आपको ध्यान हो तो ये देखिए ये इसके लिए डिज़ाइन हो रहा है, ठीक है। मतलब कि स्मॉल एच जो नीचे का पार्ट है वो तो कैसे होगा, वो होगा वो कैंटिलीवर एक्शन की वजह से डिज़ाइन किया जाएगा लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों के लिए, लेकिन जो ऊपर का जो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच पार्ट बचा है वो क्या होगा, वो किस तरह डिज़ाइन होगा, वो फ्रेम एक्शन के लिए डिज़ाइन होता है, ठीक है। तो फ्रेम एक्शन के लिए कॉर्नर्स पे पी एल स्क्वायर बाई 12 जो फॉर्मूला है उससे निकालते हैं, और सेंटर के लिए दूसरा तरीका है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ओके ये हो गया, ये फॉर्मूले दिए गए हैं जिसमें से देखिए ये फॉर्मूला यूज़ नहीं होगा अभी के लिए, ये क्योंकि ये जो है उसके लिए दे दिया गया है, फ्रेम के लिए दिया गया है, ये डायरेक्टली अभी यूज़ नहीं होगा, ये यूज़ होगा बाद में यूज़ होगा, ठीक है, अभी नहीं। तो ये फॉर्मूले हैं पी एल स्क्वायर बाई 12, आप लोगों को ध्यान रखना है। अच्छा प्लस माइनस ये जो लगा होता है इसमें आप लोगों को ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये जो प्लस माइनस लगा होता है ये मेनली टेंशन फोर्स किधर की साइड है, टेंशन स्ट्रेस किधर की साइड है, ये शो करने के लिए होता है, ठीक है। तो अगर निगेटिव है तो मीन्स टेंशन क्या होगा, इनर साइड में टेंशन होगा, ठीक। तो उसके लिए हम उधर की साइड रिइंफोर्समेंट लगाते हैं, ये बात हमें ध्यान रखनी होती है। तो इस चीज़ के लिए तो मैं बताऊँगी आप लोगों को, जब मैं स्टेप बताऊँगी तो मैं बताती जाऊँगी कि मूवमेंट, इस मूवमेंट के लिए किधर की साइड रिइंफोर्समेंट जो है वो दिया जाना है। ओके हुप टेंशन भी लगेगा इसमें, नो डाउट हुप टेंशन तो रहेगा ही, वाटर है बीच में और पेरीफेरी है तो हुप टेंशन रहेगा। देखिए लॉन्ग वॉल में जो हुप टेंशन होगा वो ये होगा, यही वैल्यू पी थी। अब ये कैसे देखते हैं ये तो आप लोगों को पता ही होगा, जैसे देखिए अब आपको किसके लिए देखना है, मान लो शॉर्ट वॉल के लिए देखना है, मतलब इसके लिए देखना है, ठीक है। तो ये वाला, ये इस वाले पार्ट में जितना प्रेशर होगा वो यूज़ होगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई एल बाई 2, और यहाँ पे प्रेशर कितना हो रहा था, गामा इंटू एच माइनस एच। इसी तरह अगर हम लोग लॉन्ग वॉल के लिए लेंगे, लॉन्ग वॉल यानी ये वाली वॉल के लिए लेंगे तो क्या हो जाएगा, इतना इधर की साइड जाएगा, इतना इधर की साइड जाएगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, ये डिस्टेंस हो गई बी बाई 2, तो देखिए बी बाई 2, ठीक है। तो द बॉटम, जो बॉटम पोर्शन है स्मॉल एच का, वो तो कैंटिलीवर की तरह डिज़ाइन होता है, और कैंटिलीवर का बेस कितना होता है, गामा इंटू कैपिटल एच होता है, हाइट कितना होता है, स्मॉल एच होता है, तो वन बाई टू इंटू बेस क्या है, गामा इंटू एच, हाइट क्या है, स्मॉल एच, और स्मॉल एच बाई 3, ठीक। तो बेंडिंग मोमेंट, इस बेंडिंग मोमेंट के लिए डिज़ाइन किया जाएगा। अब मेरे ख्याल से लगने वाले फोर्सेस वगैरह आप लोगों को समझ में आ गए हैं, तो हम लोग अब डिज़ाइन देखते हैं। फिर से एक बार मैं बता दूं फोर्सेस कौन कौन से लगेंगे, जो नीचे का दोनों साइड का लॉन्ग वॉल हो या शॉर्ट वॉल हो, दोनों में ही जो नीचे में स्मॉल एच
डिस्टेंस तक है, उसमें कैंटिलीवर एक्शन होगा जिसका जो बेस है वो गामा इंटू कैपिटल एच होगा, और हाइट क्या है स्मॉल एच है, और ये फोर्स जो है कहाँ एक्ट करेगा, एच बाई थ्री पे एक्ट करेगा। इस मोमेंट के लिए जो रेनफोर्समेंट चाहिए वो रेनफोर्समेंट वर्टिकल डायरेक्शन में प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, ये तो हुआ स्मॉल एच के लिए। अब जो है जो हुप टेंशन क्रिएट हो रहा है वो भी लगेगा, तो हुप टेंशन के लिए प्रेशर कितना यूज़ होगा, गामा इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच इंटू, अगर शॉर्ट वॉल के लिए है तो एल बाई टू, अगर लॉन्ग वॉल के लिए है तो बी बाई टू। ठीक, ये हुप टेंशन लगेगा। इस हुप टेंशन के डायरेक्टली डिज़ाइन होगा नहीं होगा वो बाद की बात है, अभी तो लगने वाले फोर्सेज ही आप देख रहे हैं। अच्छा, कॉर्नर पे मोमेंट कितना आएगा, पी एल स्क्वायर बाई 12 आएगा, वो पॉजिटिव होगा निगेटिव होगा ये सिर्फ डायरेक्शन डिसाइड करेगा। ठीक है, सेंटर पे कैसे निकालेंगे वो हम डिसाइड करेंगे। ठीक, तो इतना ही है। अब देखिए डिज़ाइन स्टेप्स देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमें मोमेंट ही कैलकुलेट करने होते हैं। इसमें देखिए जो एल बाई बी रेशियो जो है, जब वो 2 से कम है वो थोड़ा टिपिकल केस होता है इन कंपैरिजन टू एल बाई बी रेशियो ग्रेटर देन 2। तो एल बाई बी रेशियो जब लेस देन 2 है तब कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन होगा। तो कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन होगा, इसमें देखिए सबसे पहले जो बात आपको ध्यान देनी होती है कि क्वेश्चन में दो तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। हो सकता है कि आपको एल बी एच की वैल्यूज़ दे दी गई हों। सपोज़ अगर आपको कुछ इस तरह दिया गया है 3 × 2 × 1 कुछ इस तरह दिया गया है अगर, तो 3 × 2 × 1 कहने का क्या मतलब है कि L इंटू बी इंटू एच इस फॉर्मेट में दिया जाता है। कभी कभी क्या होता है B इंटू L इंटू एच फॉर्मेट में भी दे दिया जाता है। तो ये तो आप देख ही लेंगे कि पहले जो दो वर्ड लिखे गए हैं उनमें से जो हायर वर्ड है, हायर वैल्यू है, हायर डिजिट है वो L होगा, जो छोटा है वो B होगा, जो तीसरा है वो फिक्स होता है वो H ही होता है। तो अगर डायरेक्टली आपको वैल्यूज़ दे दी गई हैं, टैंक की डायमेंशंस दे दी गई हैं, ध्यान रखिएगा ये इनर डायमेंशंस दी जाती हैं, तो अगर डायमेंशंस दे दी गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर डायमेंशंस नहीं दी गई हैं तो क्या करना होता है, आपको ध्यान रखना होता है कि वॉल्यूम दिया गया होगा, मे बी वॉल्यूम दिया गया होगा, तो जब वॉल्यूम दिया गया होगा तो फिर आप एल बी एच अपनी ओर से मानिए, अपनी ओर से एक एज्यूम करिए डायमेंशन, और फिर उसको उसके हिसाब से आप जो है डिज़ाइन करिए। लेकिन इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा कि जो एल बी एच आप मान रहे हैं उन तीनों का मल्टीप्लाई करने पर वो वॉल्यूम जो है वो अचीव हो जा रहा हो। ठीक है, थोड़ा एल बी एच का मल्टीप्लाई अगर वॉल्यूम जो दिया गया है डिज़ाइन करने के लिए उससे अगर थोड़ा ज़्यादा भी जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए एल और बी आपको मिल गया। अब एल बाई बी रेशियो देखते हैं कि वो 2 से कम है कि नहीं है। रेक्टेंगुलर में हमेशा ध्यान रखिए एल बाई बी रेशियो निकालना होता है, कुछ भी काम शुरू करने से पहले आपको एल बाई बी रेशियो देखना होता है, क्योंकि एल बाई बी रेशियो अगर 2 से कम होगा तो उसका डिज़ाइन प्रोसीजर अलग है, और अगर एल बाई बी रेशियो जो है वो 2 से ज़्यादा होगा तो उसका डिज़ाइन प्रोसीजर पूरी तरह से अलग है। तो अगर एल बाई बी रेशियो जो है वो 2 से कम है तभी ये प्रोसीजर यूज़ होगा जो अभी हम सीख रहे हैं, और अगर 2 से ज़्यादा है तो वो प्रोसीजर हम लोग बाद में सीखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, हम लोग स्मॉल एच की वैल्यू निकालते हैं। तो स्मॉल एच की वैल्यू निकालने के लिए जो रूल है वो क्या है कि कैपिटल एच बाई 4 या फिर 1 मीटर, जो कि जो भी ज़्यादा है वो ले लेते हैं। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, पी का वैल्यू निकालते हैं। पी क्या है, जहाँ पर कैंटिलीवर एक्शन ख़त्म हो रहा है, यानी जैसे ही स्मॉल एच ख़त्म हो जा रहा है उसके जस्ट उस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, तो प्रेशर होगा क्या, यूनिट वेट ऑफ वाटर मल्टीप्लाइड बाई ब्रैकेट के अंदर टोटल हाइट माइनस स्मॉल एच। ठीक, ओके, अब हम लोग फिक्स्ड इन मोमेंट निकालते हैं। तो फिक्स्ड इन मोमेंट के लिए अभी जो हम लोग निकालने जा रहे हैं वो इंड मोमेंट निकालने जा रहे हैं। तो इंड मोमेंट निकालने के लिए पहले हमें जो भी अभी हम लोगों ने एक शुरुआत जो फॉर्मूला देखा था ना, पी
पी एल स्क्वायर बाई 12 पी बी स्क्वायर बाई 12 वाला वो यूज़ करेंगे, फिर उससे हम लोग फिर उसको भी वो भी डायरेक्टली इन मोमेंट नहीं होंगे, उनको भी डायरेक्टली उनको भी यूज़ किया जाएगा फर्दर। कैसे देख लेते हैं, देखिए जब क्या होता है, जब हमें शॉर्ट डायरेक्शन में, शॉर्ट डायरेक्शन में जब हम लोगों को मोमेंट चाहिए तो वो क्या होता है, शॉर्ट डायरेक्शन में जो लेंथ है वो क्या, वैसे देखिए पी एल स्क्वायर बाई 12 होता है लेकिन एल क्या होता है, वो लेंथ होता है। तो जब शॉर्ट डायरेक्शन की बात हो रही है तो यही लेंथ जो है वो क्या है, वो बी है, मतलब विथ ऑफ द टैंक है, तो यही हो गया पी वी स्क्वायर बाई 12। और लॉन्ग डायरेक्शन के लिए जो लेंथ है उसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो क्या हो गया पी एल स्क्वायर बाई 12। निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव लगा हुआ है इस चीज़ में आप बिल्कुल परेशान मत होइए, निगेटिव और पॉजिटिव जो है वो बस डायरेक्शन, मोमेंट का डायरेक्शन दिखाने के लिए हैं। निगेटिव लगा होता है मतलब टेंशन जो है वो इनर साइड में है, लेकिन अभी भी ये जो मोमेंट है ये डायरेक्टली मोमेंट नहीं यूज़ होंगे, ये तो हमने जो मोमेंट निकाले हैं ये फिक्स्ड इन मोमेंट हैं अभी भी, ये भी क्या है, ये भी अभी फिक्स्ड इन मोमेंट एक्चुअली में नहीं है। हमने ये दो निकाला, ये कैसे निकला, एक इधर की डायरेक्शन के लिए है एक इधर की डायरेक्शन के लिए, मतलब अगर ये लेंथ है ना लॉन्ग वाली डायरेक्शन है तो इसके लिए ये है, ये है और इसके लिए ये है। अब ये दोनों वैल्यूज़ अलग अलग होंगी क्योंकि एल और बी की वैल्यूज़ अलग हैं, लेकिन इंड पर तो एक ही मोमेंट आएगा ना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों ने मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पढ़ा होगा, इसमें स्ट्रक्चर एनालिसिस में पढ़ा होगा मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, उसको देखते हैं कैसे करना है। तो मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में क्या होता है, हमें डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालना होता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर निकालने के लिए स्टिफनेस निकालनी होती है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, शॉर्ट वॉल का स्टिफनेस देखेंगे। तो शॉर्ट वॉल की स्टिफनेस क्या हो जाएगा, 4EI/L होता था ना, तो यहाँ पर जो शॉर्ट वॉल के लिए जो लेंथ है वो क्या है, वो बी है, तो क्या हो जाएगा 4EI/B। और लॉन्ग वॉल के लिए जो लेंथ है वो क्या है, कैपिटल एल से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो क्या हो जाएगा 4EI/L। टोटल जॉइंट में स्टिफनेस दिस प्लस दिस। इसके बाद जब हम लोग शॉर्ट वॉल के लिए डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए तो क्या करेंगे, जो शॉर्ट वॉल के लिए जो स्टिफनेस थी डिवाइड बाई इसका जो टोटल जॉइंट पे जो स्टिफनेस है। इसी तरह लॉन्ग वॉल के लिए जब हमें स्टिफनेस चाहिए होगा तो 4EI/L डिवाइड बाई इन दोनों का समेशन। तो हमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों के लिए अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर मिल गया। अब इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यूज़ हम लोग किसके लिए करेंगे, मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड में इस डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का यूज़ किया जाएगा ना मोमेंट डिसाइड करने के लिए। जब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड पूरी तरह लग जाएगा तो इंड पे हमें मोमेंट मिल जाएगा और इंड पे हमें एक ही सिंगल मोमेंट मिलेगा, ठीक है। तो जब वो मोमेंट जो है उसे हम लोग बोलेंगे इंड मोमेंट। अब बात आती है कि देखिए इंड इंड पर कॉर्नर पर, कॉर्नर पर जो मोमेंट है वो तो मिल गया हमें इंड मोमेंट जिसे हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन सेंटर पर कैसे मिलेगा, सेंटर पर जो मोमेंट है वो हमें कैसे मिलेगा। तो देखिए आप ये देखिए ये फॉर्मूला यूज़ करिए डायरेक्टली, सेंटर पे हमें चाहिए, लॉन्ग वॉल के लिए चाहिए तो क्या हो जाएगा पी एल स्क्वायर बाई 8 माइनस इंड मोमेंट। आप लोगों को ध्यान होगा डायग्राम वगैरह जब हम लोग बनाते थे स्ट्रक्चर में, जब हम लोग डायग्राम बनाते थे फिक्स्ड के लिए कॉन्टिन्यूस के लिए, तो क्या करते थे इंड मोमेंट निकाल लेते थे, इंड मोमेंट शुरुआत से लेकर अंत तक एज इट इज़ रहता था और जो है फिर हम लोग उसको सिंपली सपोर्टेड मानते थे, और सिंपली सपोर्टेड मानते हुए हम लोग फिर से एक डायग्राम बनाते थे, फिर दोनों को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देते थे, फिर जो ओवरलैप करने पर जो नया जो डायग्राम बनता था वो हमारा फिक्स्ड के लिए डायग्राम होता था, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पर यूज़ किया गया है। तो जो लॉन्ग डायरेक्शन है तो उसकी जगह लेंथ की जगह हमेशा एल यूज़ होगा, कैपिटल यूज़ होगा, जो शॉर्ट के लिए यूज़ होगा तो पी बी स्क्वायर बाई 8 माइनस इंड मोमेंट। ये जो मोमेंट है इससे हमें क्या हुआ, देखिए हमें कॉर्नर पे भी मोमेंट मिल गया, कॉर्नर पे मोमेंट जो है वो लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए सेम होंगे, और शॉर्ट के लिए सेंटर के लिए, शॉर्ट के लॉन्ग के लिए सेंटर के लिए मोमेंट हमें मिल गए सभी जगह। जब हमें सभी जगह मोमेंट मिल गए, कंटिन्यूस फ्रेम एक्शन वाले मोमेंट मिल गए, तो हम उन्हें क्या करेंगे एक डायग्राम में रख देंगे, डायग्राम में दिखा देंगे कैसा बना, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि हमें और भी हमें निकालने होंगे अभी, तो इससे पहले हमें क्या चाहिए, हमें डेप्थ चाहिए होगी,
उस डेप्थ का यूज़ भी हमें करना होगा। तो डेप्थ कैसे निकालेंगे, अब डेप्थ देखिए थिकनेस ऑफ वॉल, जो वर्टिकल वॉल जो बनाई जा रही है उसकी थिकनेस के बारे में बात हो रही है। तो ये जो थिकनेस है वो हम लोग कैसे निकालेंगे, देखिए अभी हमारे पास क्या है, हमें तीन मोमेंट मिल चुके हैं, एक फिक्स्ड इन तीन क्या बल्कि चार मिलेंगे। जो सबसे पहला होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड इन मोमेंट है। दूसरा क्या होगा, जो शॉर्ट वॉल है उसके सेंटर पे मोमेंट मिल चुका है, लॉन्ग वॉल के सेंटर पे मोमेंट मिल चुका है, एक कैंटिलीवर एक्शन वाला मोमेंट हो गया है। तो चार मोमेंट हो चुके हैं, इन चारों मोमेंट में से जो मैक्सिमम मोमेंट है उसे हम लेते हैं डेप्थ के डिटर्मिनेशन के लिए, क्योंकि सीधी बात है जो मैक्सिमम मोमेंट है उसी के लिए ज़्यादा डेप्थ चाहिए होगी, तो हम मैक्सिमम मोमेंट का यूज़ करते हैं। तो मैक्सिमम मोमेंट को लिया और उससे क्या किया हमने, डेप्थ की वैल्यू निकाली। अब वही बात है कि यहाँ पर हमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, हम लोग वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज़ करते हैं। तो डेप्थ के लिए एम इक्वल टू आर बी डी स्क्वायर, तो बी तो 1 मीटर रहेगा, डी हमें निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या, एम भी हमने निकाल लिया मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, लेकिन हमें क्या चाहिए, आर की वैल्यू चाहिए। आर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ये, इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें के चाहिए, जे चाहिए, सिग्मा सीबीसी चाहिए। सिग्मा सीबीसी के लिए एक टेबल था, उस टेबल से देख लीजिएगा। के और जे के लिए जे इक्वल टू 1 - K/3 होता है, और के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमें एम चाहिए, एम के लिए ये फॉर्मूला लगाना होता है, सिग्मा एस टी सिग्मा सी बी सी, ये जो है वो टेबल से मिल जाएगा हमें, ठीक है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, हमें डेप्थ की वैल्यू मिल जाएगी। अच्छा, इफ़ेक्टिव कवर जो उसमें यूज़ किया जाता है वो 30 mm से 40 mm तक आप कोई भी इफ़ेक्टिव कवर ले सकते हैं, आपकी मर्जी। नेक्स्ट, अभी इस पूरे स्टेप में आपने क्या किया, आपने सभी तरीके के मोमेंट निकाले जो उसमें लग रहे थे, और फिर उसके बाद आपने डेप्थ का, डेप्थ मतलब कि थिकनेस ऑफ दी वर्टिकल वॉल्स निकाला। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि हमें लॉन्ग वॉल के लिए डिज़ाइन करना है। एक चीज़ और, प्रोसीजर इसमें लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल के लिए सेम ही होगा, प्रोसीजर सेम यूज़ करेंगे, लेकिन बस इतना ध्यान रखना है वैल्यूज़ अलग अलग हो जाएंगी, ठीक है, मगर प्रोसीजर सेम रहेगा दोनों में। तो सबसे पहले हम देखते हैं लॉन्ग वॉल के लिए, लॉन्ग वॉल के लिए, अच्छा इसमें एक वैल्यू जो एक्स यूज़ है, ज़रा उस एक्स के बारे में देख लेते हैं कि पहले एक्स क्या है। सपोज़ ये जो है ये थिकनेस, मतलब ये एक वॉल है जिसको हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, तो वर्टिकल वॉल का क्रॉस सेक्शन दिखेगा। ये मान लेते हैं कि ये सेंटर है, टोटल जो डेप्थ है, अगर ये क्या टोटल डेप्थ जो है वो डी है, ठीक है, तो ये जो नीचे वाला पार्ट बचा ये कितना बचा, ये बचा डी बाई टू बचा, ठीक है। अब रेनफोर्समेंट जो है वो यहाँ कहीं पर ऐसे लगा होगा, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है इसे मानते हैं हम इफ़ेक्टिव कवर मान लेते हैं, ठीक है, ये हमारा इफ़ेक्टिव कवर है। तो ये जो सेंटर है, जो न्यूट्रल एक्सिस है, जो सेंटर है, उससे इनकी डिस्टेंस कितनी है, इन ये जो स्टील वायर्स लगे हुए इनकी डिस्टेंस कितनी है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ये वैल्यू जो है, मतलब सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन से रेनफोर्समेंट कितनी डिस्टेंस पर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो एक्स होगा वो क्या हो जाएगा, टोटल डेप्थ डिवाइड बाई टू, मतलब ये डिस्टेंस, इसमें से इफ़ेक्टिव कवर को माइनस कर दिया, ठीक, वही चीज़ यहाँ पर देखिए लिखी हुई है, टोटल डेप्थ यानी थिकनेस डिवाइड बाई टू माइनस का इफ़ेक्टिव कवर, ठीक, एक्स की वैल्यू हमें मिल गई। अब ज़रा देखते हैं कि और कौन कौन सी चीज़ें, देखिए डायरेक्ट टेंशन लॉन्ग वॉल पे कितना होगा, ये होगा, बहुत बार हो चुका अब तो, ये गामा इंटू एच माइनस एच इंटू बी बाई टू होगा, एक्स की वैल्यू हमने निकाल लिया, ये एक्स की वैल्यू बाद में यूज़ होगी, ठीक है। अब देखिए कॉर्नर्स पे जो डिज़ाइन मोमेंट थे वो तो वही लिया जाएगा जो बेंडिंग मोमेंट आ रहा है कॉर्नर पे, क्योंकि यहाँ पे लॉन्ग वॉल डिज़ाइन हो रही है ना, इसलिए हर चीज़ें लॉन्ग वॉल के रेफरेंस में बोली जाएंगी, तो ठीक है। तो कॉर्नर पे जो डिज़ाइन मोमेंट था वो वही है जो अभी कैलकुलेट करने पर आया हुआ है, ठीक है, लेकिन सेंटर पे डिज़ाइन मोमेंट वो नहीं होगा, उसमें से थोड़ा हमें माइनस करना होगा, क्या माइनस करना होगा, टी इंटू एक्स माइनस करना होगा। लेकिन उससे पहले क्या होगा कि हम पहले कॉर्नर के लिए डिज़ाइन ही कर लेते हैं। तो देखिए हमने एक्स का वैल्यू निकाला, इसके लिए हम क्या करेंगे, ये इसी को हम लोग कॉर्नर पे ही मोमेंट निकाल लेते हैं पहले। तो कॉर्नर पे जो मोमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो एम डी है। तो सबसे पहले हमने ए एस टी वन निकाला, ए एस टी वन ये जो
कॉर्नर के लिए ये जो डिज़ाइन मोमेंट है, ये जो AST दिया जाएगा वो कैसे दिया जाएगा, वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। और ये जो डायरेक्ट टेंशन की वजह से जो AST आ रहा है वो भी कैसा होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो सीधी बात है, इन दोनों के लिए देखिए AST निकाला, इसके मोमेंट है इसके लिए AST निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा, डायरेक्ट टेंशन है इसके लिए AST निकालने का ये फॉर्मूला होगा, दोनों को प्लस कर देंगे और टोटल रिइंफोर्समेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दे देंगे। ये चूँकि ये जो हमने मोमेंट लिया डिज़ाइनिंग के लिए वो किसके लिए लिया, वो कॉर्नर के लिए लिया, मतलब कि ये जो रेनफोर्समेंट है वो कॉर्नर साइड के लिए है, ठीक है। तो कॉर्नर साइड के लिए है, तो एक चीज़ और देखिए कॉर्नर पे जो मोमेंट है वो निगेटिव आता है और जो सेंटर पे जो मोमेंट आता है वो पॉजिटिव आता है, मतलब कहीं तो मोमेंट जो है वो निगेटिव से होकर ज़ीरो हुआ होगा और ज़ीरो से होकर फिर वो पॉजिटिव की तरफ गया होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में जो रेनफोर्समेंट की ज़रूरत होती है, ये जो रेनफोर्समेंट अभी हमने कैलकुलेट किया, ये जो AST 1 हमने कैलकुलेट किया, इस रेनफोर्समेंट की ज़रूरत कहाँ से कहाँ तक है, कॉर्नर से लेकर वो ज़ीरो मोमेंट तक ही है, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम पूरा पूरा बीम में पूरा जो वॉल है उसकी पूरी वॉल में प्रोवाइड करते हैं, लेकिन जहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है वहाँ पर हम इस स्पेसिंग को बढ़ा देते हैं, मतलब अगर दो बार जा रही हैं तो हम उनकी एक बार जो है वो कट कर देते हैं बीच से, मतलब स्पेसिंग को डबल कर देते हैं, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में तो ज़रूरत ही नहीं है लेकिन फिर भी हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये आपसे बोला गया है कि स्पेसिंग जो है वो मिडिल पार्ट में क्या कर दी जाती है, वो डबल कर दी जाती है। एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो ये जो मोमेंट आया है ये मोमेंट क्या था, निगेटिव था, आपको ध्यान होगा। तो मैंने बोला था निगेटिव में जो निगेटिव है उसके बारे में टेंशन मत लीजिए, डायरेक्शन रेनफोर्समेंट की डायरेक्शन के लिए ये होता है, ठीक है। तो जब रेनफोर्समेंट की डायरेक्शन डिसाइड कर रहे होते हैं तो जब नेगेटिव लगा हुआ है इट मींस क्या होगा, इनर साइड में टेंशन है तो उधर ही साइड हमारी रेनफोर्समेंट लगाई जाएगी। तो ये जो AST कैलकुलेट होकर आया है ये कहाँ प्रोवाइड किया जाएगा, इनर साइड ऑफ दी वॉल प्रोवाइड किया जाएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। मतलब अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो ये देखिए, ये हमने बना दिया ऐसा बना दिया, ठीक है। तो पहली बात तो ये लॉन्ग वॉल में लगेगा मीन्स ये, ठीक है। तो मैं अब इसी को बड़ा सा बना देती हूँ, ये देखिए ये लॉन्ग वॉल है ये, ठीक है। हमने उतना पार्टी जिसने पहले राउंड किया था उतना पार्टी बाहर बना दिया है। अच्छा, ये इसका इनर साइड है, ये इसका आउटर साइड है, ठीक है। अब चूंकि हम लोग इसे ऊपर से देख रहे हैं, मतलब ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब अगर कोई बार हम लोग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में डालेंगे तो वो बार हमें कैसे दिखाई देगी, ये पूरी लाइन दिखाई देगी इसमें। तो ये जो रेनफोर्समेंट अभी कैलकुलेट होकर आया है वो यहाँ ऐसे प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा और इनर साइड में प्रोवाइड किया जाएगा, इधर नहीं प्रोवाइड किया जाएगा, इधर प्रोवाइड किया जाएगा, इनर साइड में प्रोवाइड किया जाएगा। एक चीज़ और, ये तो बात हुई कि रेनफोर्समेंट जो है वो तो हमने दे दिया, अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, जो हमारा नेक्स्ट स्टेप होता है वो ये कि ये कॉर्नर साइड है, ये मिडिल साइड है और ये कॉर्नर साइड है। जो अभी हमने जस्ट मोमेंट कैलकुलेट किया है वो कॉर्नर साइड के लिए कैलकुलेट किया है, मतलब जितना कैलकुलेट किया है वो तो पूरा रहेगा ही कॉर्नर पे। मिडिल में हमें क्या करना होगा, जो स्पेसिंग हमने यहाँ पर दी है उसकी डबल स्पेसिंग कर देंगे। एक्चुअली में यहाँ तो उस रेनफोर्समेंट की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम इतना प्रोवाइड कर देते हैं। देखिए ये जो टी जो कैलकुलेट हो रहा है, जो टी कैलकुलेट हो रहा है ना, कैपिटल टी जो कैलकुलेट हो रहा है वो उसके थ्रू जो रेनफोर्समेंट आ रही है उसकी ज़रूरत पूरी बीम में पूरे वॉल में कंटिन्यूसली है, ठीक है। तो अगर आप जब आप कैलकुलेट करोगे ना तो देखोगे तो उसके थ्रू जो रेनफोर्समेंट है वो ऐसे बहुत कम है, ठीक है। तो वो रेनफोर्समेंट पूरी वॉल में रहनी है, लेकिन ये जो कॉर्नर के लिए कैलकुलेट हुई है वो कॉर्नर से लेकर कहाँ तक रहनी है, ज़ीरो मोमेंट तक रहनी है, ठीक है। तो ज़ीरो मोमेंट तो आपको तभी दिखा जब आप उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे, तो जब आपका क्वेश्चन आएगा तब तो आप लोगों को बात समझ में आएगी। चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई कि ये रेनफोर्स मोमेंट कैसे निकालते हैं, लॉन्ग वॉल के लिए, कॉर्नर साइड के लिए, और कैसे हमें देना है इसमें रेनफोर्समेंट कहाँ पर देना है। ओके, अब बात आती है मिड स्पान के लिए, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट मिड स्पान के लिए उसको हम लोग अब MD से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, लॉन्ग वॉल के लिए चल रहा है तो बेंडिंग मोमेंट लॉन्ग वॉल जो अभी अभी कैलकुलेट होकर आया है, जो मैंने बोला था डायग्राम बना लेंगे,
तो लॉन्ग वॉल पे जो मिडिल पे जो बेंडिंग मोमेंट दिख रहा है उसमें से हम क्या करेंगे, हम टी एक्स को माइनस कर देंगे। ठीक है, टी एक्स को माइनस कर देंगे। टी जो है वो क्या है, टेंशन है जो अभी कैलकुलेट हुप टेंशन है जो अभी कैलकुलेट किया है हमने, एक्स भी अभी भी कैलकुलेट किया था। तो इस एम डी के लिए ए एस टी निकाला जो कि हमने एस टी वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, मोमेंट है तो फॉर्मूला ये यूज़ होगा, एम डी अपॉन सिग्मा एस टी इंटू जे इंटू डी। एस टी टू निकालेंगे। अब ये जो एस टी टू है, अगर आप ध्यान दें तो एस टी टू जो है ये पहले भी निकाल चुके हैं, मैंने बोला था ये रेनफोर्समेंट पूरी उसमें प्रोवाइड होगा ही होगा। तो ऑब्वियसली जब हम इसमें प्लस कर देंगे, लास्ट में हमने प्लस कर दिया तो मतलब सीधी बात है सेंटर के लिए भी निकल आएगा। ठीक है, ये जो एस टी वन आया है, ये जो एस टी वन और एस टी टू आया, इनका समेशन ये तो देखो नॉर्मल सी बात है। इतना जो अगर मैं नहीं भी बताती हूँ तो भी आप लोगों को हर जगह पर ध्यान रखना है कि कहीं पर भी ए एस टी जो है वो एस टी मिनिमम से कम नहीं होना चाहिए। स्पेसिंग जो है वो आपकी स्पेसिंग के क्राइटेरिया को फॉलो करनी चाहिए। स्पेसिंग का क्राइटेरिया क्या है, 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर थिकनेस उस समय जो वॉल का थिकनेस चल रहा है उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कहीं कहीं पर क्या होता है, जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है उस रेनफोर्समेंट की, जैसे मैंने बोला इससे पहले वाले जिस सेक्शन में जो कॉर्नर पे जो मोमेंट को लेकर जो ए एस टी लिया गया है, उस ए एस टी की ज़रूरत सेंटर पर नहीं है। ठीक है, ऑब्वियसली टी की वजह से जो ए एस टी है उसकी ज़रूरत है, लेकिन सेंटर की वजह से जो ए एस टी है उसकी ज़रूरत नहीं है। तो जब उसकी ज़रूरत नहीं है फिर भी हम ए एस टी प्रोवाइड कर रहे हैं आगे जाकर डबल स्पेसिंग करके, तो उसमें हम लोग ये स्पेसिंग के क्राइटेरिया को ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो तो रेनफोर्समेंट ऐसे भी ज़्यादा है। ठीक है, उतनी की तो ज़रूरत भी नहीं थी लेकिन फिर भी है। ठीक है, तो उन जगहों पर हम ज़्यादा इस मैटर को सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, लेकिन जहाँ पर नेसेसिटी है वहाँ पर इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। ओके, इसके बाद हमें क्या है, और एक चीज़ और, जब भी एस टी निकाला है सीधी बात है डाया सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग निकालेंगे, एस टी मिनिमम के लिए चेक करेंगे। अगर ये कहीं पर मिस भी कर गई हूँ मैं तो आप लोगों को ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि अब इसके लिए जो रेनफोर्समेंट है वो कहाँ देना है। तो आप लोगों को ध्यान होगा कि जब आप लोगों ने स्टार्ट किया था तो बेंडिंग मोमेंट सेंटर पे हमने क्या माने थे कि पॉजिटिव होगा। जब पॉजिटिव होगा तो सीधी बात है टेंशन कहाँ पर है, आउटर साइड में है। तो आउटर साइड में टेंशन है तो हम ये जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करेंगे वो कहाँ पे प्रोवाइड करेंगे, आउटर साइड पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, आउटर साइड मतलब कि जैसे ये लॉन्ग वॉल है, मैं सिर्फ अब लॉन्ग वॉल का ही डायग्राम बना रही हूँ, लॉन्ग वॉल है ये आपका आउटर साइड है, तो रेनफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, अब ये जो मोमेंट हमने लिया था वो किसके लिए लिया था, सेंटर पार्ट के लिए लिया था, सेंटर पार्ट के लिए लिया था। तो यहाँ पर तो इस रेनफोर्समेंट की ज़रूरत है ही, कॉर्नर्स में इस रेनफोर्समेंट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम इस रेनफोर्समेंट का आधा पार्ट दोनों कॉर्नर्स पे भेजेंगे। तो जब दोनों कार्ड पर भेजेंगे तो यहाँ पर जो स्पेसिंग आई है उसको स्पेसिंग को डबल करके यहाँ प्रोवाइड कर देंगे, यहाँ भी स्पेसिंग को डबल करके यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट जो है प्रोवाइड हो गया लॉन्ग वॉल में। कॉर्नर्स के लिए भी हमने हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट निकाला, सेंटर के लिए भी हमने हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट निकाला। अब बात आती है जो बेस में जो स्मॉल एच है उसके लिए मोमेंट निकालना, उसके लिए ए एस टी निकालना। और ये जो ए एस टी आएगा वो लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल दोनों में बराबर दोनों दोनों साइड मतलब प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, वैसे भी जो हमारा काम चल रहा है वो 1 मीटर के लिए चल रहा होता है, तो दोनों डायरेक्ट दोनों उसमें यही रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मोमेंट निकाल लेते हैं। तो मोमेंट जो है बेस में कितना आ जाएगा, गामा इंटू कैपिटल एच आएगा। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और एक्ट कहाँ पर करेगा, स्मॉल एच बाई 3 पे एक्ट करेगा। ठीक, तो ये मोमेंट हमें मिल गया। इस मोमेंट के लिए हमने ए एस टी निकाला, ए एस टी को चेक किया, इन मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, डाया सेलेक्ट करेंगे, स्पेसिंग देंगे। ये जो बार्स हमें दिखेंगी ये क्या होंगी, वर्टिकल बार्स हैं। अब एक बात को ध्यान में रखना है, देखिए अगर हमने हॉरिजॉन्टल जो रेनफोर्समेंट दे रखी है वो सिर्फ एक एक फेज़ में दे रखी है, जैसे आप लोगों को ध्यान है सर्कुलर वाले उसमें एक फेज़ में चल रहा था सब कुछ। ठीक है, तो जब एक फेज़ में हमें देना होता है रेनफोर्समेंट को तो सीधी बात है हमें वर्टिकल बार भी एक फेज़ में ही ले जानी होती हैं। लेकिन अभी अभी जो आपने देखा उसमें हमने क्या किया, पॉजिटिव निगेटिव अलग अलग था, तो हमने अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग फेजेस में हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट दी है। तो जब ऐसा है तो हमें वर्टिकल रेनफोर्समेंट भी दोनों फेजेस में देनी होगी। तो जब दोनों फेजेस में देनी होगी तो सीधी बात है कि ये जो एस टी कैलकुलेट हुआ है उसका आधा पार्ट एक फेज़ में रहेगा और आधा पार्ट दूसरे फेज़ में रहेगा। ठीक
ठीक है। तो AST/2 जो है वो इनर फेज के लिए और AST/2 जो है वो आउटर फेज के लिए, ठीक है। इसमें करते क्या हैं, आपकी मर्जी, आप पहले ही AST/2 निकाल लें और फिर उसके बाद स्पेसिंग निकाल लें, या फिर AST के लिए स्पेसिंग निकालें और उसे डबल करके दोनों साइड में प्रोवाइड कर दें। दोनों सही हैं, वर्टिकल बार्स होती हैं ये जो हमने देनी है। और शॉर्ट वॉल और लॉन्ग वॉल दोनों के लिए सेम होगा, मतलब अभी आप कितना डिज़ाइन कर चुके हैं, आप लॉन्ग वॉल के लिए, लॉन्ग वॉल के लिए आपने वर्टिकल बार्स डिज़ाइन कर, वर्टिकल बार्स डिज़ाइन कर दी, शॉर्ट वॉल के लिए वर्टिकल बार्स डिज़ाइन कर ली, और लॉन्ग वॉल के लिए सेंटर पार्ट के लिए रेनफोर्समेंट हो गया और कॉर्नर पार्ट के लिए रेनफोर्समेंट हो गया, इनर एंड आउटर के लिए रेनफोर्समेंट हो गया यानी, ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है, शॉर्ट वॉल के लिए डिज़ाइन है। तो शॉर्ट वॉल के लिए डिज़ाइन मैंने बोला था ना, प्रोसीजर वही फॉलो होगा जो लॉन्ग वॉल में फॉलो हुआ, पर ध्यान रखिएगा वहाँ जब भी लेंथ की बात होती थी वहाँ पर कैपिटल L यूज़ होता था, यहाँ पे जब भी लेंथ की बात होगी यहाँ पर कैपिटल B यूज़ होगा, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम डिज़ाइन टेंशन निकालेंगे। डिज़ाइन टेंशन जो है वो क्या होगा, गामा इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल H, ये तो हमारा P हो गया। अब टेंशन की बात है यानी ये स्मॉल वॉल की बात हो रही है, मतलब L/2, ठीक है। तो ये हमारा डायरेक्ट टेंशन हो गया। अब मोमेंट निकालना है, कहाँ पर, कॉर्नर पे निकालना है। तो सीधी बात है, जो डायग्राम बना हुआ है उसमें कॉर्नर पे जो शॉर्ट वॉल पे जो मोमेंट है उस मोमेंट में T(x) को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, हमें मोमेंट मिल जाएगा। अब आप लोगों को पता है कि T क्या है, T यही है जो अभी भी निकाला है। एक्स क्या है, सेंटर से जो बीम, जो स्लैब आएगा उसका जो न्यूट्रल एक्सिस, जो सेंटर आएगा उस सेंटर से, सेंटर जो आएगा उस सेंटर से जो रेनफोर्समेंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है, वो होता है x। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, AST निकालेंगे इस मोमेंट के लिए, AST निकालेंगे, फॉर्मूला ये यूज़ होगा। ये जो टेंशन है इसके लिए भी AST निकालेंगे, इसको हम लोग AST2 से इंडिकेट कर रहे हैं, दोनों को प्लस कर देंगे, AST1 प्लस AST2। अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने क्या किया, हमने कॉर्नर पे लिया है, कॉर्नर पे क्या होता था, निगेटिव होता था। जब निगेटिव होता तो यहाँ ये कहाँ पर दिया जाएगा, ये रेनफोर्समेंट जो निगेटिव है इनर साइड में रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, इनर साइड में रेनफोर्समेंट दिया जाएगा, कॉर्नर के लिए रेनफोर्समेंट है, मतलब ये कहाँ दिया जाएगा, ये देखिए ये थोड़ा गड़बड़ बन गया। अब जो है शॉर्ट वॉल के लिए चल रहा है ना, तो आपको ऐसे समझना होगा, ये है शॉर्ट वॉल, ठीक है। ये जो रेनफोर्समेंट है वो किधर की साइड के लिए थी, कॉर्नर की साइड के लिए थी। मिडिल पे इसकी स्पेसिंग को डबल कर देंगे, इनर साइड है, मतलब ये रेनफोर्समेंट ऐसे प्रोवाइड होगी, यहाँ पर स्पेसिंग जो कैलकुलेट होकर आएगी वो होगी, और यहाँ पर क्या कर देंगे उसको डबल कर देंगे, यहाँ पर फिर से कैलकुलेटेड स्पेसिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग क्या करते हैं, मिडिल पार्ट के लिए डिज़ाइन लेते हैं। तो मिडिल पार्ट के लिए जो आपने डायग्राम बनाया हुआ है उसमें जो सेंटर पे जो मोमेंट आएगा उस मोमेंट में से TX को माइनस कर देंगे, AST1 हमें मिल जाएगा, AST2 अभी भी क्या है, जो आपका टेंशन था, हुप टेंशन था, डिवाइड बाई AST, तो दोनों AST को प्लस कर देंगे, और AST मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए, और स्पेसिंग वगैरह कैलकुलेट कर देंगे एक डाया सेलेक्ट करके। अब ये दिया कहाँ जाएगा, ये देखिए, ये जो है ये रेनफोर्समेंट कहाँ दिया जाएगा, ये आउटर साइड में दिया जाएगा। सेंटर के लिए वही स्पेसिंग रहेगी जो हमने कैलकुलेट की है, यहाँ पर ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर स्पेसिंग जो है वो डबल कर दी जाएगी, यहाँ पर भी स्पेसिंग क्या हो जाएगी, डबल कर दी जाएगी। यहाँ पर सिर्फ ज़रूरत कितनी AST की है, वो सिर्फ ये वाला AST ज़रूरी है, AST2 डिवाइड बाई T/σST, सिर्फ इस AST की ज़रूरत है यहाँ पर, ठीक है। और इस AST की ज़रूरत है वो भी कैसे, एक पूरे क्रॉस सेक्शन में बस इतना AST होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम लोग AST यहाँ पर दे देते हैं, ओके। और अब क्या है, कॉर्नर्स के पास डबल कर दी जाएगी, सब हो गया। और बेस के लिए, डिज़ाइन के लिए, तो चूंकि ये जो अभी भी केस जो चल रहा है वो कौन सा चल रहा है, रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस चल रहा है, जब रेस्टिंग ऑन ग्राउंड का केस चल रहा है तो अभी भी यहाँ पर हमें मिनिमम थिकनेस प्रोवाइड कर देनी है, 150 ले लीजिए, 200 ले लीजिए, ठीक है, और मिनिमम रेनफोर्समेंट प्रोवाइड किया जाएगा और दोनों डायरेक्शन में प्रोवाइड किया जाएगा, वन फेज में प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि थिकनेस जो है वहाँ पर 300 mm से कम है इसलिए, ठीक है। ये जो बार्स होती हैं वो हॉरिजॉन्टल बार्स होती हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है उसमें हम लोग क्या करते हैं, उसका डिटेलिंग डायग्राम बना देते हैं, ठीक। तो अब इसके बाद क्या करेंगे, आप एक क्वेश्चन देखेंगे और उस क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको बाकी सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएंगी, ठीक है। थैंक यू।